नमस्कार, मैं हूं सुदफ खान। आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी। आइए देखते हैं ये खास खबर। नवज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहपुर बिल्लौज फरीदाबाद के चेयरमैन प्रताप वशिष्ठ ने कहा कि शिक्षा ही सफल जीवन जीने का मंत्र है और शिक्षा ही हमें अच्छे जीवन जीने का सलीका सिखाती है और हमें अच्छे और बुरे का एहसास कराती है। लेकिन उन्होंने कहा, शिक्षा पर सरकार के साथ साथ हम सभी को काम करने की जरूरत है और विदेशी शिक्षा की तरफ ना भागते हुए हमें अपने देश की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। आज के इस युग में सबसे दुख बात यह है कि आज गुरु और शिष्य की भावना एक दूसरे के प्रति नहीं रही जो पुराने समय में रहा करती थी। सर, शिक्षा के स्तर को किस तरीके से सुधारा जाए, इस संदर्भ में आप अपने विचार व्यक्त करें। जी, मैं प्रताप सिंह वशिष्ठ, डायरेक्टर ऑफ नव एजुकेशनल सोसाइटी फतेहपुर लॉज। तो सर, शिक्षा के सुधार में सतर को कैसे सुधारा जाए, आपने ये क्वेश्चन किया मुझे। इसमें सुधारने के लिए आपने भी देखा होगा कि कुछ वर्ष पहले पांचवी और आठवीं कक्षा का हरियाणा बोर्ड में बोर्ड हुआ करता था, लेकिन जैसे ही नए नियम आए उन्होंने पांचवी और आठवीं कक्षा के बोर्ड को खत्म कर दिया। पहले बच्चा प्राइमरी सत्र तक इतना पढ़ लेता था, टीचर्स उसका ध्यान रखते थे, प्राइमरी में उसका सुधार होता था, आठवीं तक उसका सुधार हो जाता था, लेकिन यह सब कुछ खत्म हो गया। एक तो मैं सबसे बड़ा कारण ये जानता हूँ कि भाई पांचवी और आठवीं का बोर्ड होना चाहिए जिससे कि उनका शुरू का लेवल ही अच्छा हो, सुधार उसमें हो। दूसरा कि जगह जगह एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि हमें बहुत अच्छे परिणाम चाहिए, बहुत अच्छा शिक्षा में सुधार चाहिए, दूसरा ये गवर्नमेंट कर रही है या वो स्कूल वाले कर रहे हैं या कोई बीच की मिली भगत से कुछ इस तरह के कार्य हो रहे हैं कि कुछ संस्थाएं जो अपने स्थान से बंद हो चुकी हैं उनके नाम से अभी भी स्कूल चल के एक दुकानों की तरह, और उनमें जो प्राइवेट संस्था जिनकी मान्यता है ही नहीं किसी स्तर तक, उनके बच्चों को 10वीं 12वीं उनके नाम चलाए जाते हैं। सर, दूसरा, आज छात्रों में नैतिक मूल्यों की गिरावट आई है, उसका जिम्मेवार कौन, शिक्षक, अभिभावक या समाज? इसमें जो शिक्षा में गिरावट आई है, मुझे लगता है कि हम तो इनको तीनों में दोषी ठहराएंगे जब तक तीनों ही अपना सुधार नहीं करेंगे। पहले क्या था कि हम दो हमारे दो, अब हम एक हमारा एक, और प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरे बच्चे को प्रत्येक भाई अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन जो नैतिकता में कमी जो आ रही है, मैं स्पष्ट रूप से तो नहीं कह सकता भी पेरेंट्स उसका दोषी है। पहले जब बच्चे पढ़ने जाया करते थे तो माँ बाप फ्री होकर के टीचर्स को बोल देते थे कि भाई आप बच्चे को जो मर्जी चाहे जिस तरह से आप, लेकिन आपको इसको ठीक से पढ़ाना है, ठीक से करना है। बट अब एक एफर्ट लिया जाता है कि हमारे बच्चे को कुछ कहना नहीं है, सुनना नहीं है, कुछ करना नहीं है, और उसी तरह की फिर घर से भी स्कूल में आकर के तो एक डर टीचरों के बीच में थोड़ा रहता है कि हम किस बच्चे को किस तरह से कहेंगे अर्थात उनको कैसे समझाया जाए। फिर प्रयास बहुत किया जाता है, ऐसा यथासंभव नहीं। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी दोषी हैं, शिक्षक जो दोषी है कि उनको उस तरह की बातें माननी पड़ती हैं पेरेंट्स के साथ रहते हुए, और समाज में तरह तरह की कुर्तियाँ इस तरह की छुपी हुई हैं। और जहाँ तक समाज लेवल की बात भी करूँ कि गवर्नमेंट बच्चे अगर आज की डेट में नहीं पढ़ पाते हैं, ये सामाजिक नैतिक मूल्य कहाँ स्तर जो गिर रहा है,
एक गुरु दक्षिणा हुआ करती थी, बच्चे जब पढ़ने जाया करते थे गुरु दक्षिणा है। आज जो विभाग बांट दिया गया है एससी बीसी इस लेवल से, भाई बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आपकी फीस भी फ्री, खाना भी फ्री, कपड़े भी फ्री, अब बच्चे शिक्षा को कहाँ समझेंगे, वो माँ बाप कहाँ समझेंगे? तो कई चीज़ें नैतिकता मूल्य में ये मुझे लगता है उभर के कहीं ना कहीं से आ रही है। सर, आप गुरु दक्षिणा की बात कर रहे हैं, तो गुरु तो दक्षिणा पहले ही ले लिया करते हैं, अगर प्राइवेट स्कूल वाले पहले ही एडमिशन फीस, पहले फीस एडवांस फीस जमा करा लिए। मैं मानता हूँ आपकी इस बात को, अभी कुछ सर के स्कूल ऐसे भी हैं कि जो अपने सही शिक्षा उनको दे रहे हैं, और ये बहुत कम से कम, मैं तो अपने लेवल से बोल सकता हूँ, बच्चों से फंड्स लेकर के और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सर आज ये तो अच्छी सुनो सर, ये चीज़ है तो गवर्नमेंट स्कूल में भी अच्छी अच्छे टीचर मिलेंगे, अच्छी सैलरी वहाँ है। अगर हम उस लेवल को आप वहाँ तक लेके जाए तो बताइए वो स्तर कहाँ तक जाता है सर, वो स्तर भी कहीं ना कहीं तो अंतर रखता है हमारे बीच में। सर तीसरा मुख्य मुद्दा जो आज के दौर में है कि क्या हमें यौन शिक्षा सेक्स एजुकेशन को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, अगर हाँ तो कितना, किस क्लास से, अगर नहीं तो क्यों? भाई मैं तो समझता हूँ कि इसको मुद्दे को नहीं रखना चाहिए सामने आगे। हम भी पहले पढ़े हैं, पाठ्यक्रम हमने देखा है, जब इस तरह की कहानियाँ इस तरह की बातें नहीं आएंगी संबंध में, इस संबंधित, तो बच्चा उस पर जोर ही नहीं देगा। अगर हमने सेक्स संबंधी बातें किताबें ये लागू कर दी गई तो बच्चा उस पर जोर देगा। और सभी तो नहीं कि सभी एक जैसा सोच पाएं, वो नेगेटिव बुद्धि से भी सोच पाते हैं। आप चलचित्र आप देखते हैं, बच्चे दूरदर्शन देखते हैं, अपने कार्टून पर इत्यादि उस पर लगे रहते हैं, तो देखिए उनका माइंड उसी तरह से वहाँ उसी उधर की तरफ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि भाई ये चीज़ें उस स्तर तक नहीं होना चाहिए, स्कूल स्तर तक तो होना ही नहीं चाहिए। सर यौन शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम पहले से भी हमारे क्लासेज में है, 9th में 8th में शायद 10th तक भी है, लेकिन ये देखा गया है कि टीचर्स उसे पढ़ाते नहीं हैं, क्या वजह मानते हैं? नहीं, टीचर उनको पढ़ाना भी चाहता है, वजह तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, ये शब्द ही इस तरह का है कि इसको कहने सुनने में एक दूरी अंतर तो होना चाहिए। माँ बाप बच्चे भी बैठे होते हैं वहाँ भी थोड़ा सा इस चीज़ का एक अंतर होता है, और गुरु शिष्यों के बीच में तो सारी बातें मुझे लिखता कि भाई सब कुछ इस तरह से ओपन किया जाए। अगर ये सारी चीज़ें फिर सामने आ जाएंगी तो बचेगा क्या, अर्थात वो मान सम्मान वाली बातें कहाँ बच पाएंगी। मैं समझता हूँ कि इस लेवल तक तो, स्कूल लेवल तक तो ये लागू नहीं होना चाहिए।